तो फाइनली जिसका मुझे था इंतजार और जिसके लिए था दिल बेकरार, तो हेरा फेरी 3 ऑफिशियली अनाउंस हो गई है, जिसके अंदर वापस आ चुके हैं राजू श्याम और बाबूराव की जोड़ी। अब इसमें एक्ट्रेस की बात रूमर्स उठ रही है कि इसके अंदर आ रही है दिशा पटानी। अब पता नहीं ये कॉमेडी सीरीज की पिक्चर में दिशा पटानी का क्या काम है, उनका काम है केल्विन क्लेन के लिए, तो इधर क्या करने आ रही है। अब दूसरी नाम आ रहा है रश्मिका मंदाना, अब उनको हिंदी परफेक्ट आ नहीं रही है, वो हिंदी में कॉमेडी कैसे करेंगे ये भी सोचने वाले। अब तीसरा नाम है अपनी कृति सेनन, वो अच्छा करे उनसे कुछ उम्मीदें लगाई जा सकती है, अनुराधा ऐसे कुछ कैरेक्टर के लिए। ये तीनों लोग बैटिंग करने आ गए और इनकी विकेट लेने के लिए हमारे डायरेक्टर भी आ चुके हैं जिनका नाम है फराज सामजी। ये नाम सुनकर बहुत ही निराशा हुई, इससे पहले कि आने वाली पिक्चर बहुत ही बुरी तरह से फ्लॉप हुई। और अभी हाल अक्षय कुमार का करियर भी कुछ खास चल नहीं रहा है। अब हेरा फेरी सीरीज की फ्रेंचाइजी इतनी हिट है कि वो नॉर्मली भी 500-600 करोड़ कमाएगी अगर वो एवरेज भी रही तो, और ज्यादा रही तो पठान जितनी बड़ी बड़ी पिक्चर है उसका रिकॉर्ड भी टूट सकता है, इसमें कोई ना नहीं है। और अब इस पिक्चर की कास्टिंग की बात कर ली जाए तो अक्षय कुमार रेडी होगा राजू के कैरेक्टर के लिए, वापस जो अपने दिल से जुड़ा हुआ कैरेक्टर राजू का, श्याम के लिए अपने यही वाले सुनील शेट्टी सर ही रेडी है, बाबूराव जी के लिए तो कोई सेकंड ऑप्शन ही नहीं, परेशान जी है। इससे पहले एक न्यूज आई थी कि इसके अंदर अब कार्तिक आर्यन का भी कुछ है, लेकिन वो राजू के कैरेक्टर को रिप्लेस नहीं करेंगे, कुछ अलग नया कैरेक्टर आएंगे, तो वो भी हो सकते हैं इस पिक्चर में, मना नहीं है, वो भी हो सकते हैं। इससे पहले एक और हेरा फेरी से रिलेटेड बात हुई थी कि इसके लिए अभिषेक बच्चन और जोन का भी कुछ ना कुछ सीन है। अब वो सब बात ऑफिशियल हुई नहीं है, लेकिन हेरा फेरी 3 की फोटोज भी आ चुकी है और राजू श्याम और बाबूराव ये तीन का कैरेक्टर तो कंफर्म है। लेकिन अब जो भी है भगवान भरोसे, मैं तो बहुत वेट कर रहा हूं हेरा फेरी 3 के लिए, मजा आएगा।